यार, आई एम रवि जैन। आज हम कोरिलेशन रिग्रेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे और इसमें आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं आगे, और हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो हम इसमें तीन चार पुराने क्वेश्चंस लेंगे आज इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। और द परसेंट ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज एक्सप्लेन बाई द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स इज मेजर्ड बाई। ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का जो परसेंटेज वेरिएशन है, वाई में कितना परसेंट वेरिएशन हम एक्स से समझा सकते हैं ऑन एक्स, वो चीज़ हम किससे मेजर करते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन से नहीं मेजर करते हैं। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इन दोनों के बीच में दो दो में दो आपस में डिपेंडेंट होने चाहिए, तब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है। कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं, कोफिशियंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट नहीं, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन से अपन ने ये समझा था। जैसे कि मान लो कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन है 0.9, इसका मतलब है कि 90% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई वेरिएशन इन एक्स एक्सप्लेन्ड बाई वेरिएशन इन एक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आपके बुक में नहीं है, पर सिलेबस में तो है इस तरीके से कोरिलेशन एनालिसिस में, बट इसमें नहीं है। तो पर हमने ये देखा है कि ये क्वेश्चन आया, तो आप इसके कंसेप्ट को समझ लो, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं इस टाइप के कंसेप्ट। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेट द कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन कंप्यूटेड टू बी 0.39 इन ए प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन दिस रिजल्ट्स मीन्स। अगर ये बोल रहा है कि कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ रहा है 0.39 और इसका क्या मतलब, और उस केस में क्या वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वन डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब पूछा द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नेगेटिव, नहीं हम नहीं बोल सकते कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन से कुछ नहीं बोल सकते, उससे बस इतना बोल सकते हैं कि 0.39 में 39%, क्योंकि अगर सपोज करो ये आर का स्क्वायर भी होता तो आर या तो अंडर रूट प्लस माइनस 0.39, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर आर स्क्वायर 0.39 है पर इस केस में वो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट, दोनों आपस में डिटरमाइन नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नेगेटिव, कुछ नहीं बोल सकते। कोरिलेशन कोफिशिएंट ये तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। 39 ऑफ टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 39 ऑफ टोटल एक्सप्लेन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं 39% ऑफ टोटल, क्योंकि आर स्क्वायर ये जो वेरिएबल 0.39 इसका मतलब 39%। ठीक है, अब इसमें अगला जो पार्ट है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर ये एग्जाम में आ जाते हैं। विच मेथड हेल्प्स अस ड्रा ए लाइन बिटवीन द सेट ऑफ स्कैटर्ड पॉइंट, हमें कौन सा मेथड है जो हमारे को हेल्प करता है ड्रॉ ए लाइन बिटवीन द सेट ऑफ स्कैटर्ड पॉइंट्स। रिग्रेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट फिट मेथड। तो आंसर आएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये हमने देखा ही था कि रिग्रेशन मेथड नहीं, रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब स्केटर्ड पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में अपन को अगर लाइन खींचनी है, मान लो ये स्केटर्ड पॉइंट्स है, तो अपन को क्या करनी पड़ेगी, बेस्ट फिट लाइन बनानी पड़ेगी। और बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे ताकि ये जो एरर रही है वाली एरर मिनिमम हो, मतलब तो एरर का स्क्वायर लेते हैं तो लीस्ट स्क्वायर एरर ऑफ लीस्ट स्क्वायर मिनिमम हो, इसलिए अपन क्या करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड बनते लेते हैं। ये अपन ने कंसेप्ट समझा था, आप पुराने से पुराने इससे पहले वाला जो वीडियो है उनको रेफर कर सकते हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। पर ये देखो क्वेश्चन आ गए ना इन पे बेस्ड। फिर उसके बाद पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर सी ओ डी है तो वो क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर, वेरी राइट। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रॉन्ग।
तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर होता है। वैसे भी आप ऑप्शन इक्वेशन को समझ के देख सकते हैं क्या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट वाला पार्ट आंसर में होगा। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें आगे और देखिए, आप देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं, विच थ्री मेजर्स आर यूज इन कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस आप सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड एरर, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो आप सोच सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एस्टीमेट, डेविएशन तो है ही नहीं मेजर, कोवेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। क्लियर है ये कंसेप्ट कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एस्टीमेट नहीं होंगे इसके मेजर, कोवेरियंस होता ही है जो हमारे कोरिलेशन में काम आता ही है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता ही है। और ये ऐसे एक और क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.49, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, ये देख ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर मान लो, वैसे ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होना जरूरी नहीं है कि वो कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, ये हो सकते कोरिलेशन से निकले और नहीं भी निकले। तो या तो आर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्लस माइनस 0.49 होगी अंडर रूट, और प्लस माइनस 0.007 पहली बात, पर ये भी होना जरूरी नहीं है, पर ये भी आंसर हो तो हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि या तो प्लस होगी या माइनस, दोनों में से एक भी है। तो इसलिए इसमें इसलिए जो डी ऑप्शन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो सकता है कि दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट नहीं हो, एक इंडिपेंडेंट और एक, तब भी निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तब अलग तरीके से निकालते हैं। पर आप इस तरीके से मान के चलिए, अगर इसकी वैल्यू 0.49 दोनों आपस में डिपेंडेंट भी होते तो भी आर की वैल्यू प्लस माइनस 0.0, तो या तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये जो है ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें क्या है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द कॉपी, अगर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। तो ये जो आंसर्स हैं ये नेगेटिव में आंसर दिए गए हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 9 है हम इसमें करेक्ट कंप्लीट किया। अब हम इसमें एक पार्ट और लेंगे और उसमें हम रिग्रेशन का एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। पर ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो आपको ये अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं इनको। और इसी के साथ अगर आपको ये समझ में आया तो आप सबके साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।